आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीवोसागर रामगूलम की। बहुत लोगों को इनके बारे में पता नहीं होगा, बट इनको चाचा रामगूलम बोला जाता है। पता है कौन है ये? इन्होंने मॉरिशियस को बनाया। जी हाँ, मॉरिशियस को इन्होंने आजाद कराया। फादर ऑफ मॉरिशियस इनको बोला जाता है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस। लेबर पार्टी को इन्होंने जीत दिलाई। कमाल की स्टोरी है दोस्तों, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। आपको बता दो, हैंडीकैप्ड थे बिल्कुल, इनकी एक आंख काम नहीं करती थी, कि एक्सीडेंट में इन्होंने अपनी एक आंख खो दी थी, लेकिन उसके बावजूद जज्बा कमाल का था इनका। बहुत ही लिबरल, बहुत ही गजब के लीडर सीवोसागर रामगूलम की आज हम बात करेंगे, तो बहुत कुछ है जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चलकर पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। 25 दिसंबर तक 70% ऑफ है सारे के सारे कोर्सेज पे। तो सबसे पहले आप मॉरिशियस देख लीजिए। देखिए ये है साउथ अफ्रीका, मतलब ये है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका आप देख रहे हैं। ये रहा मॉरिशियस, आपको छोटा सा देश दिख रहा है ना मॉरिशियस। चलो भैया कैपिटल क्या है कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, ठीक है। इस समय मॉरिशियस सब छुट्टियां मनाने जाते हैं थैंक्स टू सीवोसागर रामगूलम। उन्होंने कंट्री को पूरा बदल दिया, ठीक है। छोटा सा द्वीप है ये, आइलैंड है एक तरीके से, और बहुत ही प्रॉस्पेरस देश है समय मॉरिशियस की अगर हम बात करें। लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, टूरिज्म एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है मॉरिशियस के लिए, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, खूबसूरत बीचेस हैं यहां पे, सी स्पोर्ट्स जो समुद्र के खेल हैं ये भी होते हैं, बड़ा मजा आता है, लेकिन बड़ा महंगा है, चीजें बहुत ज्यादा महंगी मिलती हैं। तो ये सब शुरू कब हुआ था? ये सब 1968 के बाद से ही शुरू हो गया था, ठीक है। देखिए अगर मॉरिशियस का इतिहास देखें तो भैया क्या था कि ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले अरब ने यहाँ पे मतलब इस आइलैंड को खोजा। पहले क्या था, पहले कोई सैटेलाइट थी नहीं, तो शिप भेज देते थे, जो देश होते थे वो शिप भेजते थे, ठीक है जी, कि जाओ एक्सप्लोर करो, जहां पे जमीन मिले वहां पे बस्तियां बनाओ। तो सबसे पहले पुर्तगाली अपना शिप लेके निकले, ठीक है, तो उन्होंने भारत को भी देखा, और उसके बाद फिर इधर वेस्ट साइड पे भी गए, तो बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सप्लोर किया, जिसमें इसे एक मॉरिशियस भी था, लेकिन मॉरिशियस में उन्होंने कोई बस्ती नहीं बसाई, ठीक है। उसके बाद आए डच, है ना, डच यहां पे आए, डच ने बस्ती बसाई यहां पे, ठीक है, डच ने कॉलोनी बसाई, लेकिन धीमे धीमे उनका प्रभुत्व कम हुआ। सबसे ज्यादा समृद्ध मॉरिशियस फ्रांस के समय में हुआ था, ठीक है ना, फ्रांस ने मॉरिशियस का नाम भी बदल दिया था, ठीक है। तो फ्रांस के समय में मॉरिशियस काफी समृद्ध हुआ जब फ्रांस ने इस पूरे के पूरे आइलैंड को अपने कंट्रोल में लिया और इसको बसाना शुरू किया। यहां पे शुगर की खेती, मतलब शुगर केन, गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती थी, गन्ने से निकलती है चीनी, और चीनी पूरी दुनिया में यूज होती है। तो मॉरिशियस वॉज ऑल अबाउट शुगर शुगर शुगर, और यहां पे भर भर के लेबर्स लाए जाते थे, स्लेव्स लाए जाते थे। लेकिन फिर नेपोलियन वॉर्स हो गए, ठीक है, 1810 नेपोलियन वॉर, फ्रांस वर्सेस ब्रिटिश, ठीक है, जिसमें नेपोलियन को हार, आपको पता ही है कि हार मिली थी। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश ने फ्रांस से ये पूरा का पूरा आइलैंड छीन लिया, फ्रांस हार गया, और 1810 के बाद ब्रिटिशर की कॉलोनी हो गई मॉरिशियस। तो भैया वो यहां पे अपनी बस्ती बसाए हुए थे। अब आपको पता ही है कि ब्रिटिश की जहां जहां कॉलोनी थी कितने बुरे हालात थे। एक चीज और होती है दोस्तों, 1835 में, ठीक है, स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया जाता है। अभी अमेरिका में स्लेवरी एबॉलिश नहीं हुई है, जहां पे स्लेवरी का बहुत ही भयानक रूप हमको देखने को मिलता है, अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी मैंने कवर की है। अभी स्लेवरी इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड इतना काइंड इनफ था कि वहां पे स्लेवरी एबॉलिश हो गई, तो यूके में एबॉलिश हो गई, तो अब आप स्लेव्स नहीं ला सकते, ठीक है, अफ्रीका के पास है तो आसान, ठीक है, यहां पे भर भर के आप स्लेव ला सकते हैं। तो अब क्या हुआ, ब्रिटिशर को कुछ और सोचना था, क्योंकि बड़ा प्रॉफिटेबल आइलैंड ये साबित हो रहा था, गन्ने की खेती, चीनी की, चीनी यहां से प्रोड्यूस हो रही थी, तो ब्रिटिश के लिए बड़ा प्रॉफिटेबल था। तो भैया अब लेबर कहां से लाए, सस्ता लेबर कहां से लाए, तो ब्रिटिशर ने आंख घुमाई भारत की तरफ। भारत में कलकत्ता बिहार में सस्ते लेबर आसानी से मिल जाते थे। अब ये ब्रिटिश क्या कहते थे कलकत्ता बिहार जाके, कि आप हमारे साथ आओ, आप मॉरिशियस पे रहो, हम आपको ऐसी लाइफ देंगे कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा, आपके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, सपने दिखाते थे। लेकिन जब ये लेबर्स कलकत्ता से शिप लेके मॉरिशियस आ जाते थे तो उनको ठेंगा मिलता था, उनको कुछ भी नहीं मिलता था, ठीक है ना,
वो परेशान हो जाते थे, वो बर्बाद हो जाते थे, 24 घंटे उनसे काम कराया जाता था, बहुत बुरी हालत। इसी में एक मजदूर आए थे हिंदुस्तान शिप को पकड़ के, इमाइग्रेशन नंबर 353639, इसका नाम था, आप बता सकते हैं, जो कि शिवोसागर रामगुलम के पिताजी थे। और शिवोसागर रामगुलम के पिताजी का नाम है मोहित रामगुलम, बिहार से आए थे, ठीक है ना, बिहार से आए थे। इससे पहले क्वीन विक्टोरिया के लिए, जहां पे बहुत ही मुश्किल था, उनकी जो शुगर स्टेट थी वहां पे काम करते थे, अच्छी पोस्ट मिली, फिर यहां पे मॉरिशस में अपना लक आजमाने आ गए, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने बड़ी मेहनत की, ठीक है, बिहार से थे ये और गिरमिटिया मजदूर थे ये, ठीक है, एक लेबर थे, तो बड़ी मेहनत की। उसके बाद यहां पे एक विधवा थी, 1898 में हम ये देखते हैं कि उस विधवा का नाम था बासमती, और बासमती के पहले से ही दो बच्चे थे, तो मोहित ने बासमती से शादी कर ली। और 18 सितंबर 1900 को शिवोसागर, सर शिवोसागर रामगुलम का जन्म होता है, ठीक है ना। तो ये चीज है, मॉरिशियस में जन्मे, केवल केवल इनको बोला जाता था, ठीक है, बेले राइफ के पास मॉरिशियस में, फ्लैग डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म होता है, और 1900 में जन्म हुआ, और यहां से इनकी जिंदगी अब बदलने वाली थी, ठीक है। वैसे आपको बता दूं कि उस समय जो पूरा मॉरिशियस है वो भारतीयों से ही बसाया गया है, वहां पे इंडियंस, हालांकि इंडियंस जो थे वो मेजॉरिटी में थे, ठीक है, हिंदूज मेजॉरिटी में थे मॉरिशियस में, मुस्लिम्स जो थे वो माइनॉरिटी में, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में थे, तो यही सब मॉरिशियस में रहते थे, ठीक है, कुछ अफ्रीकन्स भी रहते थे, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो हिंदुओं की थी, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड आपको पूरा क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि रामगुलम जो हिंदू थे, ठीक है, जो हिंदू कम्युनिटी थी, उनका अपना ही स्कूल चलता था बैठका के नाम से, वहां पे शुरू में रामगुलम ने पढ़ाई की। तो वहां पे जो गुरुजी थे वो संस्कृत में प्रार्थना सिखाते थे, उपनिषद बताते थे, रामायण भगवत गीता का पाठ, वेदों का पाठ, तो इंडियन स्क्रिप्चर्स को वहां पे पढ़ाया जाता था। लेकिन पढ़ाई से रोमांस, ठीक है, शुरू हो गया था रामगुलम का जब उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी। रामगुलम को यह पता था कि मुझे वेस्टर्न एजुकेशन तो लेनी ही पड़ेगी, और बहुत ही छोटी सी उम्र में इनको पता चल गया था। तो वहां पे रोमन कैथोलिक एड एक स्कूल था, वहां पे इन्होंने शुरुआती पढ़ाई की, बैतका को छोड़ के ये वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ चले गए, और वहां पे इन्होंने काफी कुछ पढ़ा, पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे और पढ़ना इनको बहुत ज्यादा पसंद था, ठीक है। अब हम यहां पे देखते हैं कि एक एक्सीडेंट होता है, ठीक है, रामगुलम के साथ। 7 साल की उम्र में पहली बात तो रामगुलम अपने पिताजी को खो देते हैं। 12 साल की उम्र में, ठीक है, क्योंकि रोमन कैथोलिक स्कूल में, वहां पे ये बोर्डिंग में ही रहते हैं, ठीक है, ये वापस आते हैं अपने गांव छुट्टियां मनाने के लिए। अब अपने भाई के साथ ये काम कर रहे होते हैं खेतों में, लेकिन वहां पे जो ऑक्स होता है ना, ठीक है, जो सांड होता है, उसके साथ मतलब वो इन पे हमला कर देता है। ये उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हमला कर देता है, और इनकी जो लेफ्ट आई है, ठीक है, वो इसमें खराब हो जाती है और बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है, और वहां से एक आंख से दिखना रामगुलम को बंद हो जाता है, तो बहुत बड़ी दिक्कत। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई तो करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय तक दोस्तों, ये 1912 का समय है, ठीक है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि भारत में बहुत कुछ चल रहा था, और हिंदू मॉरिशियस में रहते हैं, तो इंडिया का प्रभाव तो भारत मॉरिशियस पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बहुत सारे डिस्कशंस होते थे, ठीक है ना, कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो है वो शुरू हो गई है, हमको भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ब्रिटिशर ने बहुत बुरा हाल करके रखा हुआ था, बहुत ही बुरा हाल करके रखा हुआ था, कोई राइट्स नहीं थे यहाँ पे जो लेबर्स थे, और बहुत बुरी हालत थी यहाँ पे, समझ लीजिए, ठीक है, कोई पढ़ने की सुविधा नहीं, एजुकेशन की सुविधा नहीं, कोई हॉस्पिटल्स नहीं, तो बिल्कुल ही बेकार, उनको खाली पैसा चाहिए था मॉरिशियस से, और पैसा बहुत आ रहा था, ठीक है। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि दिक्कत बहुत ज्यादा थी, लेकिन रामगुलम पढ़ाई में लग गए। अब वो गए जाएंगे लंदन, ठीक है, लंदन गए, वहां पे इंडियन यूनियन का हॉस्टल था, इंडियन यूनियन ज्वाइन भी किया, हॉस्टल में भी गए, मेडिसिन की पढ़ाई की इन्होंने, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज और फ्रेंच लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और फ्रेंच लिटरेचर को भी इन्होंने बड़ा सा रहा, ठीक है। जब इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर और फ्रेंच लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया, दीवाने हो गई है, लेकिन पढ़ाई इन्होंने मेडिसिन की, लेकिन प्यार इनका किसके किसके साथ था, पॉलिटिक्स के साथ। ऐसा होता है,
कि आप जो पढ़ते हैं कभी कभी मन नहीं लगता है, वो सिर्फ टेम्पररी होता है, परमानेंट आपका प्यार किसी और चीज के साथ होता है। तो यहां पे रामगुलम के साथ यही था, पॉलिटिकल डिस्कशंस होते थे। एक चीज और, जब ये लंदन गए और जब इन्होंने लंदन में तौर तरीकों को देखा, लंदन में जो परंपरा थी उसको देखा इन्होंने, और लंदन में सभ्यता को देखा कि किस तरीके से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो बड़ा इनको आश्चर्य हुआ कि यहाँ पे तो लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, लिबरल समाज है, प्यार से रहते हैं, तो मॉरिशियस में ऐसा क्यों है? वही जो भारत में जब सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड गए थे पढ़ने सिविल सर्विस के लिए, जैसा सुभाष चंद्र बोस को एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में ऐसा क्यों है, इतना बेकार सलूक ब्रिटिशर हिंदुस्तान में क्यों करते हैं, वही रामगुलम को एहसास हुआ कि लंदन में यहाँ पे सब कुछ इतना बढ़िया है और मॉरिशियस में ये लोग हमको जीने नहीं देते। तो ये सब कुछ इनके साथ हुआ। अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि रामगुलम पॉलिटिकली अवेयर होते गए, और ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर होते गए, और उसके बाद फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, एक डॉक्टर बन गए और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स भी अटेंड करते थे। अब उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि वापस आए मॉरिशियस, ठीक है, पढ़ाई पूरी करके 1935 में ये मॉरिशियस वापस आ गए, ठीक है, 1935 में। अब मॉरिशियस वापस आ गए, ठीक है, पोर्ट लुई में इन्होंने अपना जो क्लिनिक है वो बनाया लोगों की मदद करने के लिए, वहां पे ही इन्होंने घर लिया और वहां पे ही इन्होंने प्रैक्टिस की, डॉक्टर थे, लोगों का इलाज करते थे, ठीक है। अब यहां पे पूरे मॉरिशियस में ये ट्रैवल करते थे, ठीक है, क्योंकि इलाज के लिए कभी कभी दूर जाना पड़ता था, दिक्कतें बहुत ज्यादा थी, ठीक। तो यहां पे ये देखते थे कि कितनी बुरी हालत है लोगों की। अब इनके अंदर का पॉलिटिशियन जागना शुरू हुआ, उस समय लेबर पार्टी भी बहुत ज्यादा एक्टिव थी, लेकिन अब क्या हुआ कि इनको कॉलोनी से प्यार हो गया, ठीक है, कॉलोनियल अथॉरिटीज जो थी उनके बहुत ज्यादा करीब हो गए थे रामगुलम, क्योंकि जब वो लंदन में गए, लंदन से पढ़ाई करके लौटे, तब उनका जो पर्सपेक्टिव है वो पूरा चेंज हो गया कि यार ये लोग अच्छे हैं, देखो ब्रिटेन में सब कुछ कितना बढ़िया है। तो जब ये वापस लौटे तब ये कॉलोनियल अथॉरिटी के क्लोज थे, ब्रिटिश के ज्यादा क्लोज थे, ये अभी तक पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने मॉरिशियस में हालात देखने शुरू किए कि सब कितने ज्यादा परेशान हैं, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तब इन्होंने पॉलिटिक्स में इन्होंने कदम रखा। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि मॉरिशियस में नए कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान की मांग शुरू हो गई, 1946 में नए संविधान की मांग शुरू हो गई, और इसकी वजह से थोड़े बहुत दंगे भी होते थे मॉरिशियस में दोस्तों, बहुत सारे कम्युनल रियॉट्स हुए हैं, बहुत सारे। ऐसा भी एक टाइम पे लग रहा था कि देश सिविल वॉर में चला जाएगा और मॉरिशियस के भी दो टुकड़े हो जाएंगे, बहुत दिक्कत थी ये। अब इलेक्शन भी कई बार हुए, ठीक है, ऐसी बात नहीं, इलेक्शन भी कई बार हुए, लेकिन इसके पहले लेबर पार्टी को ज्वाइन कर लिया रामगुलम ने, लेबर पार्टी को 1946 में ज्वाइन कर लिया। अब मॉरिशियस के संविधान की बात शुरू हो गई, आपको पता ही है कि ब्रिटिश जो है वो अपनी कॉलोनीज जो है उसको छोड़ रही थी, ठीक है, वो चाहती थी कि अब हम विड्रॉ कर लें। ब्रिटिश में भी लेबर पार्टी आ गई थी और जो लेबर लॉस थे उनके लिए काम करती थी ब्रिटिश की लेबर पार्टी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश में दो इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि रामगुलम ने लेबर पार्टी को ज्वाइन किया और उसके बाद जो 1946 में नया कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, उसको भी बनाने में बहुत ज्यादा मदद की रामगुलम ने। देखते ही देखते ब्रिटिश ने बोला अब आप इलेक्शन लड़ सकते हो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस अभी तक मॉरिशस को नहीं मिला है। 1948 में इलेक्शन हुए, लेबर पार्टी से नॉमिनेट हुए रामगुलम, लेकिन इन कुछ अनबन हो गई, लेबर पार्टी से फिर नहीं खड़े हुए, इंडिपेंडेंट निर्दलीय खड़े हुए। विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, 19 जो कैंडिडेट थे निर्दलीय वो जीत गए, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, क्योंकि वो सबके सब इंटेलेक्चुअल थे, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई सोशलिस्ट लीडर था, वो जीत गए, सारे निर्दलीय कैंडिडेट जीत गए। और उसके बाद उन सबको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया, ठीक है, जो ब्रिटिश ने बनाई थी मॉरिशियस के लिए, ठीक, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। तो लोगों को लगा कि अब फाइनली हमको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलेगी और अब हमारा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और अब आजादी दूर नहीं है। लेकिन आजादी ऐसे नहीं मिलने वाली थी दोस्तों, अब एक नया पर्सपेक्टिव, अब हम ये देखते हैं कि एक नया प्रोपेगेंडा चलाया जाने लगा गीतन डोवाल के द्वारा। ये शिवोसागर रामगुलम को अपोज करते थे, उनके खिलाफ खड़े हो गए, के खिलाफ खड़े हो गए गीतन डोवाल। इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी थी, हिंदू मेजोरिटी में थे, तो क्या बोला गीतन डोवाल ने कि अगर शिवोसागर रामगुलम, एक हिंदू है ये, अगर इसकी सरकार आ गई, हिंदू रूल करेंगे, मुस्लिमों के लिए कुछ भी नहीं रहेगा,
मुस्लिमों के मसीहा बनके, क्रिश्चियंस के मसीहा बनके गीतन डोवाल उभरे। अब ये कम्युनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, धर्म के नाम पे अब बांटना शुरू हो गया। इधर सीवोसागर रामगुलाम कह रहे थे कि कुछ भी करके आजादी मिलनी चाहिए, इधर गीतन डोवाल कह रहे थे आजादी मिलेगी लेकिन हमको अपना राइट्स दो, मुस्लिमों को जो माइनॉरिटी में है, हम हिंदू राज्य बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो सरकार बनेगी वो हिंदू डोमिनेटेड होगी, हिंदुओं की सरकार होगी। यहां तक गीतन डोवाल ने बहुत सारे स्लोगन्स चलाए, वी डोंट वॉन्ट हिंदूज, इस तरीके के। बहुत कम्युनल टेंशन हुई, दंगे भी हुए, ठीक है ना। अब उसके बाद दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि 1959 में फिर से इलेक्शन होते हैं और इस बार लेबर पार्टी जीत जाती है और सीएम बनाया जाता है यहां पे मॉरिशियस का सीवोसागर रामगुलाम को, लेबर पार्टी जीतती है, ठीक है। अब यहां पे गीतन डोवाल का और ज्यादा मूड खराब, और ज्यादा ये फियरी स्पीचेस देने लगे, ठीक है, कि आप लोगों के जो राइट्स हैं, मुस्लिमों के राइट्स को ऑनर नहीं किया जाएगा। एक बार अगर इसकी सरकार आ गई, ध्यान से वोट करिए, 1965 में कम्युनल वायलेंस होती है, दंगे होते हैं, बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग मारे गए इसमें, तो बड़ी दिक्कत थी। गीतन डोवाल मारने को तैयारी नहीं थी। अब लोग सिविल वॉर की बात करने लगे दोस्तों, ठीक है ना, सिविल वॉर की बात करने लगे, ब्रिटिश ट्रूप्स आए इन दंगों को रोकने के लिए, काफी लोगों की जाने गई, दुकानें बर्बाद की, बहुत ही बड़ी दिक्कत, ठीक है। और 1961 से लेकर 68 तक, जब तक मॉरिशस को आजादी नहीं मिली थी, तब तक रामगुलाम चीफ मिनिस्टर थे। फिर 1967 में भी मॉरिशस के इतिहास में सबसे बड़े दंगे हुए, ठीक है, मॉरिशस के इतिहास में सबसे बड़े 1967 में दंगे हुए, जब बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे, हजारों हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन अब रामगुलाम को यह लगने लगा था कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 1963 में भी इलेक्शंस होते हैं इसी दौरान, ठीक है, इसमें रामगुलाम चार सीट्स कम इनको मिलती हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं मॉरिशस पार्लियामेंट की, तो अभी की अगर बात करें तो यूनिकैमरल है, जैसे हमारे यहां बाइकैमरल है ना, ठीक है, वहां पे एक ही पार्लियामेंट है, ठीक है, दो अपर हाउस लोअर हाउस नहीं है, ठीक है, नेशनल असेंबली है और 70 सीटें हैं जिसमें 62 इलेक्टेड है और 8 को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि 1963 में भी इलेक्शन हुए, 1963 में इलेक्शन हुए लेकिन मेजोरिटी नहीं मिल पाई, लेकिन कोलिशन सरकार बना ली यहां पे और चीफ मिनिस्टर बने रहे रामगुलाम। तो 1967 में जब गीतन डोवाल का मूड खराब हो गया और बहुत सारे लीडर्स ने बड़ी फियरी स्पीचेस दी और इसमें अल्टीमेटली मुस्लिमों को ये लगने लगा कि शायद हमको कुछ मिलेगा नहीं, तो दंगे हुए, ठीक है, धर्म के आधार पे बांटा जाने लगा, दंगे हुए और बहुत लोग मारे गए। तब यहां पे ब्रिटिश को अब कुछ ना कुछ निर्णय लेना था और रामगुलाम को भी निर्णय लेना था, तो अल्टीमेटली 1968 में आजादी मिलती है। हालांकि रिपब्लिक 1992 में बना है मॉरिशस, याद रखिएगा, लेकिन आजादी ब्रिटेन से 1968 को मिल गई। तो 1968 को मिल गई आजादी, 12 मार्च 1968 सीवोसागर रामगुलाम ने इस पेपर पे साइन किया। अब यहां पे गीतन डोवाल को भी ये लग रहा था, बहुत लोग मारे जा रहे थे, अभी तक दंगे थमे नहीं थे, और सीवोसागर रामगुलाम भी परेशान थे कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गीतन डोवाल को भी अब ये लग रहा था कि अगर इन दंगों को नहीं रोका गया तो देश के टुकड़े हो जाएंगे, तो देश की यूनिटी के लिए ये बहुत बड़ा एक आघात होगा, क्योंकि इतने सालों से, हजारों सालों से मॉरिशस यूनाइट है, तो ये गलत है। तो यहां पे गीतन डोवाल ने एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया, किसी ने भी नहीं सोचा था, उन्होंने लेबर पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, बिल्कुल उन्होंने सीवोसागर रामगुलाम के साथ हाथ मिला लिया। तर्क ये था कि हम इसलिए सीवोसागर रामगुलाम के साथ आ रहे हैं ताकि देश में दंगे रुकें, ये जो हत्याकांड चालू है इसको रोका जा सके, यूनिटी के लिए, देश की एकता के लिए, अखंड एकता के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी ने भी नहीं सोचा था, ठीक है ना। अब इसके पहले एक और रेफरेंडम भी हुआ था कि रेफरेंडम करवा लो कि मॉरिशस को आजाद रहना है कि ब्रिटिश के अंदर ही रहना है। तो यहां पे जो माइनॉरिटीज थी वो तो रेफरेंडम के खिलाफ थे, उनको लग रहा था कि अगर हम ब्रिटिश से आजादी लेंगे तो राम, मतलब जो हिंदू है वो हम पे रूल करेंगे, तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली 56% जो वोट पड़े वो आजादी के ही पक्ष में पड़े, तो मॉरिशस को आजाद किया गया 1968 में। और उसके बाद आपको एक और चीज बता दो, महात्मा गांधी के बहुत बड़े एडमायरर थे, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स पे चलते थे रामगुलाम। दुनिया में जितने भी मूवमेंट, आजादी के अभियान हुए हैं ना 1947 के बाद से, वो सब महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पे ही किए गए हैं, हिंसा कहीं नहीं हुई है, ठीक है, अहिंसक तौर पे ये सारे आंदोलन हुए हैं और देशों को आजादी मिली है, ठीक है, इस कैंपेन में कोई ब्लडशेड नहीं हुआ, ठीक। तो ये चीज है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि अगर हम बात करते हैं
मॉरिशियस की, तो वहां पर दो सबसे बड़ी पार्टी है, एक है लेबर पार्टी और एक है मॉरिशियस मिलिटेंट मूवमेंट पार्टी, ठीक है ना, ये दो सबसे बड़ी पार्टी है। अभी मॉरिशियस मिलिटेंट मूवमेंट पार्टी ही है सत्ता में, अगर हम देखें प्रवीण जगनॉथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना। अब उसके बाद अनिरुद्ध जब 1982 में इलेक्शन हुए दोस्तों, ठीक है, हालांकि अच्छा एक चीज और बता दो कि 1968 के बाद, ठीक है, 1970s में सीवोसागर रामगूलम ने बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है, यहाँ पे टूरिस्ट इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। उस समय मॉरिशियस में ये लगता था कि खाली शुगर चीनी बना बना के ही हमारी इकोनॉमी चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं था, पूरे मॉरिशियस में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, बाहर से लोगों ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, 70,000 नई जॉब को क्रिएट किया गया, टूरिज्म 40% से बढ़ा, तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉरिशियस के बदल के रख दिया। और इस समय मॉरिशियस आप देख ही रहे, बड़ा ही प्रॉस्पेरस कंट्री है और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बड़ा समृद्ध देश है वो, थैंक्स टू सीवोसागर रामगूलम। तो 1982 में इलेक्शन हुए। अब 1982 में दोस्तों रामगूलम हार गए, ठीक है, यहाँ पे जीत नहीं पाए, हार गए, उम्र भी हो गई थी दोस्तों, बहुत ज्यादा उम्र भी हो गई थी, रामगूलम की हेल्थ भी डिटोरिएट होती जा रही थी, तबीयत भी उनकी सही नहीं रहती थी। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि रामगूलम ने एमएमएम को सपोर्ट किया। अब जब एमएमएम जीती तो अनिरुद्ध जगनॉथ प्राइम मिनिस्टर बने और रामगूलम को गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल रहे 1985 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये पूरा का पूरा लेक्चर था सीवोसागर रामगूलम ने के ऊपर, जिन्होंने मॉरिशियस को बनाया। आज जो आप मॉरिशियस देख रहे हैं उसकी नींव सीवोसागर रामगूलम ने रखी। तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहे, पढ़ते रहे, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।